सुखी जी 18 तरीक नू अपने कागज दाखिल करनगे। अज असी श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा ऑफिस है उहदा असी उद्घाटन किया। हालात जो पंजाब दे है जिवें एमरजेंसी लगी पई है, चारों तरफ पुलिस दे नाके धक्का होई जांदा है। कल मैं तख्त श्री दमदमा साहब गया, श्रद्धालुओं नूं पहली बार होया पंजाब दे इतिहास में श्रद्धालुओं नूं मत्था टेकन वास्ते उत्थे पहुंचन वास्ते बड़ियां मुश्किल हुई क्योंकि इन्होंने ऐसा बुरा हाल किया। मैं आनंदपुर साहब भी पता कराया सी, उत्थे भी आ हालात है। ऐ लगता जिवें कोई एमरजेंसी लगी पई है। डेमोक्रेसी नां दी कोई चीज़ पंजाब च नहीं रही। जिहड़ा आवाज़ उठाउंदा है कोई प्रोटेस्ट करता है या गल करता है वह तो परचा दे के अंदर किया जाता है। मैनू पता कई मीडिया के लोग जिन्होंने भगवंत मान की सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई उन्होंने फेसबुक पेज भी बंद किए जाते हैं, उन्होंने चैनल भी बंद किए जाते हैं, वैब चैनल भी बंद किए जाते, केसिस किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं। पहली बार होया कि मीडिया नू इन्ने वड्डे पद्धर ते उन्हां नू अरेस्ट ते उन्हां दी जिहड़ी राइट्स है उन्हां कुचल दिता गया। भगवंत जो बेईमान है आज सोचते हैं कि असी आवाज़ कुचल के डरा के शायद लोगों नू शायद ला लांगे। जिन्ना डराउन की कोशिश करते हैं, जिन्ना धक्का करते हैं, उन्ना ही उबाला गुस्सा पंजाब की जनता का वध रहा है। इस सरकार देख लो आज जो सवा साल होया पंजाब नूं इन्होंने बर्बाद कर दिता। आज कोई इत्थे कोई इन्वेस्ट करन नूं तैयार नहीं। कल शाम नूं मैं रात नूं मैं कितने लुधियाने इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग उत्थे गया सी, सारे कह रहे सी असीं पंजाब छड्ड के होर बाहर जाण लगे हैं। जे पंजाब की इंडस्ट्री तो व्यापार इत्थों चला गया तो पंजाब कोई रहना नहीं है। आ सारा कुछ कहिंदे चीफ मिनिस्टर की करतूता करके। अज का जो हालात है बिजली की जो समस्या बनने वाली है तुम देखो की होना है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बिजली है नहीं, तो फिर इत्थे कौन आऊगा। दूजी गल झूठ, सारी सरकार झूठ ते निर्भर करती है। कल बड़ा परसों बड़ा ड्रामा किया भगवंत मान ने कि जी असी मैं 15 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन देती, 10 बंदियां नूं चैक दे के मैं अपने सारे पिंडां च पता किया, खले तक गरदौरियां नहीं हुई, 10 बंदियां नूं चैक देता, ऐलान करता जी असी कॉम्पनसेशन देती, 10 बंदियां नाल कॉम्पनसेशन नहीं दित्ती जाती। अज तो इन्हां दा अपना मंत्री पटियाले वाला आप मने कहिंदा मसां 127 बंदियां नूं दित्ती है। इन्हां दी सोच है कि झूठ बोली चलो तो लोग शायद समझणगे कि सच ही है, पर बार बार झूठ बोलना जो फड़िया जाता बंदा फिर ये विश्वास खत्म हो जाता है। जे मुख्यमंत्री झूठ बोलूगा तो जो विश्वास जनता का मुख्यमंत्री के भाषण से ही या उन्होंने स्टेटमेंट से नहीं होगा फिर वो मुख्यमंत्री किस चीज़ का। दू अखीर मैं कल मैं देख रहा सी जो सबका मुख्यमंत्री चन्नी जो कल उन्होंने विजिलेंस बुलाया तो रोन लग गए, सारा पंजाब लुट लिया 3 महीने च ते हुण अपने आप नूं कहिंदे कि वह बेकसूर है। सब तो वड्डा सैंड माफिया वो आप सी, ईडी ने करोड़ां रुपये उहदे भतीजे तों फड़िया, सब तो वध इलीगल कॉलोनाइजर सब तो वड्डा चन्नी आप सी। ते गल्लां इह करदा सी कि जी देखो जी मैं जिन्ने इलैक्शन लड़े आ जमीन वेच के, मैनूं एक जमीन दस दे जिन्ने इलैक्शन तों पहले कि जमीन सी ते कि वेची है। वह सोचता हूँ आज गेम करना चाहते कि दिखाना चाहते कि असी बड़े सिंपती सानू आए। मैं कह चन्नी वर्गा तो एक दिन बाहर नहीं होना चाहिए, जिन्ना घपले किन्ने लुट 3 महीने किया रिकॉर्ड कैम कर दिता। इस करके मैं सारे वर्करां नूं पलजंदर वाले नूं मैं सारे श्रोमणी अकाली दल
BSP ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀਏ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਸਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ।